फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे, आशा करते सब लोग अच्छे हैं। ज्योत्सना किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मिठाई तो आप बहुत बार बना के खाई होगी बहुत सारा चीज़ों से। तो आज हमने बनाया है चुकंदर का मिठाई। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और टेस्टी है। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और एक हम तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, देखिए बहुत ही। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा देखते हैं कि हम कैसे बनाए हैं चुकंदर का मिठाई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ चुकंदर ले लिए हैं, बीट रोड, इसका जो है कटिंग करेंगे। इसका जो ऊपर का स्किन है वो हम छील के फेंक देंगे। तो चुकंदर को जो है हम अच्छे से छील लिए हैं, अब इसको धो लेंगे। अब जो है हम कद्दूकस ले लिए हैं, इसमें चुकंदर को हम घस लेंगे बढ़िया सा, घस लेंगे। और इसका जो घस के जो है इसका रस निकाल लेंगे। आप चाहे तो काट के मिक्सर में डाल दें, इसका हमें रस निकाल लेना है। जो इसका जो रस है, देखिए कितना सुंदर रस है, ये रस हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है रस हम निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी देके थोड़ा सा मतलब पूरा निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं और उसके अंदर सारे रस को डाल देंगे। और कटोरी को धो के थोड़ा सा और पानी दे देंगे। इसको बॉयल होने तक इंतज़ार करते हैं। तो बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक चुटकी नमक दे देंगे और हम दे देंगे सूजी, बारीक वाली सूजी दे देंगे। सूजी दे के अच्छे से सूजी को गाढ़ा बना लेंगे। फ्लेम को जो है एकदम स्लो कर दिए हैं। सूजी हमारा जब तक अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम थोड़ा चलाएंगे अच्छे से। तो सूजी को देख सकते हैं फ्रेंड्स, हलवा की तरह जो है हम सूखा सूखा बना लिए हैं अच्छे से। हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है। दूध 100 ग्राम दूध है, गर्म किया हुआ दूध है, तो गाढ़ा है। थोड़ा सा हम जो है और गाढ़ा कर लेते हैं। 100 ग्राम है तो इसको हम 25 ग्राम बना लेते हैं। तो करीब आधा हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 1.5 चम्मच जो खाना खाते हैं उसी चम्मच का 1.5 चम्मच हम यहाँ पे चीनी दे दिए हैं, शक्कर। तो फिर से जो है चलाएंगे। अब देख सकते बहुत कम हो गए हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच दिए हैं मिल्क पाउडर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दिए हैं, किशमिश और काजू को हम छोटे छोटे काट लिए हैं। तो अपना मन चाहा ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नारियल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो आपका पसंद है ड्राई फ्रूट वो आप सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब दे के हम जो है इसको थोड़ा गाढ़ा बना लेते हैं। तो देख सकते फ्रेंड्स किस टाइप से जो है हम गाढ़ा बना रही हूँ। ऐसे ही हमें पूरा जो है गाढ़ा बना लेना है। आप यहाँ पे खाली लिक्विड वाला दूध से भी बना सकते हो। तो खोया की तरह बना लेना है, ये खीर की तरह ये बन चुका है। अब थोड़ा सा हम और गाढ़ा बना लेते हैं, मतलब सूखा देना है एकदम, जैसे खोया वगैरह बनाते वैसे सूखा देना है। तो हम अच्छे से जो है चलाते हुए, फ्लेम को हम स्लो कर दिए हैं, और अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा बना लेंगे, एकदम सुखा देंगे। अब यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। तो एक कटोरी पानी दे देंगे और आधा कटोरी हम चीनी दे देंगे।
तो एक कटोरी पानी आधा कटोरी चीनी देके एक चाशनी बना लेंगे। चाशनी लगभग हमारा रेडी है। अब जो है एक इलायची को हम तोड़ फोड़ के इसमें डाल देंगे। एक मिनट और हम पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए, तो करीब 6 मिनट हम चाशनी को पका है। अब चाशनी मेरे रेडी है, देख सकते हैं कैसे पतला है, बिल्कुल पतला है। इसको ठंडा होने के बाद ये जो है थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी, तो हम बंद कर देते हैं गैस को। इधर जो हम सूजी और बीटरूट का रस से जो बनाए थे हलवा की तरह, वो ठंडी हो चुकी है। और इधर जो हम दूध से बनाए हैं खोया टाइप का, खीर टाइप का बनाए हैं, वो भी एकदम ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा घी ले लिए हैं, देसी घी। अब हाथ में जो है हम अच्छे से लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब ये हलवा टाइप का ये बनाए हैं तब हम कोई घी का यूज़ नहीं किए थे। अब जो है हम थोड़ा सा हाथ में घी लेंगे, घी लेके बढ़िया से इसको मचल देंगे। अब चाहे तो पूरा मचल ले, जैसे इस टाइप का थोड़ा मचल देंगे बढ़िया से। अब इस टाइप से जो है हम गोल गोल बना लेंगे और कटोरी की तरह बना लेंगे। और इसके अंदर जो इधर हम बना के रखे हैं थोड़ा सा भी इसमें दे देंगे और फिर से सील कर देंगे। अच्छे से हाथों से थोड़ा सा दाबते हुए जो है ऐसे बना लेंगे। फिर से एक ले लेंगे। इसे कटोरी की तरह बना दिए, थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे, फिर सील कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हम सारे को बना लेंगे। हाँ, तो सेल का प्रेस करते इस टाइप से, मोटाई इतना ही। तो फ्रेंड्स, सारे जो हैं पेड़े को हम बना लिए हैं, इसके अंदर भर दिए हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई हम गरम कर लिए हैं और उसमें रिफाइंड ऑयल दे दिए हैं, और जो हम बना के रखे थे डाल देंगे। यहाँ पे हम कम ऑयल का यूज़ किए हैं, अब चाहे तो ज़्यादा ऑयल भी दे सकते हो। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जितना था लगभग सब आ गए, तो दे देते हैं। तो 2-3 मिनट जो है हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, एक एक साइड 2-2 मिनट फ्राई किए हैं, टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं थोड़ा फूलने भी लगा है, मतलब मोटे मोटे हो गए हैं, जबकि हम इतना मोटे मोटे नहीं बनाए थे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब हम निकाल लेंगे, हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि अंदर मीठा है और बाहर से भी जो है मीठा नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो। और इसको जो है हम चाशनी में डालेंगे। तो अगर आप चाशनी में नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, हम यहाँ पे चाशनी में डाल देंगे। तो इतना हम चाशनी में डाल दिए हैं, 2 ऐसे खाने के लिए हम बचा के रखे हैं। अच्छा, एक तोड़ के हम दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है अंदर में। तो ये जो हम चाशनी में डाल दिए हैं, करीब इसको हम आधा घंटा रख देंगे, तो ये अच्छे से अंदर में जूसी हो जाएगा, मतलब जो चाशनी है अंदर तक का अच्छे से फूल जाएगा, ये थोड़ा सा भर जाएगा रस। तो यूं ही हम आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो गए हैं, अभी देख सकते हैं ये फूल गए हैं, ये बहुत नरम भी हो गए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो रेडी है फ्रेंड्स, ये काट के हम दिखाते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स कैसे लगे मेरी रेसिपी, अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।